हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 से 2 दिन में आ सकता है, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जॉब के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका ई सर्टिफिकेट होता है वो कब कब मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है उसको, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इन दो चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके कितने दिन बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसके 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि 15 दिन का टाइम ही लगेगा, हो सकता है कि 10 दिन में ही मिल जाए, हो सकता है कि 20 दिन में मिले, लेकिन अप्रॉक्स टाइम मैं बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको 15 दिन का टाइम लग जाएगा आपका सर्टिफिकेट आने में। तो एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके 15 से 20 दिन में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथों में आ जाएगा, इसी वेबसाइट पर आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। जैसे आप उस वेबसाइट पर आई मीन लॉग इन करेंगे, देखिए अभी आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट करके, तो ये जो लिंक है ये तभी काम करेगा, आई मीन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपकी रिसेंट एग्जाम हुए थे उसके बाद ही यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन गाइज ये रहता है कि एक बार आपका रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो अब आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, तो गाइज इसके ऊपर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू गेट जॉब आफ्टर नेट और जेआरएफ, करियर ऑप्शंस क्या होते हैं आफ्टर यूजीसी नेट, हम पीएचडी करें या फिर हम जॉब करें, कौन सा बेटर ऑप्शन है, या जो आप पीएचडी करते करते जॉब करें, एक बार पीएचडी में एडमिशन हो गया तो क्या है? उसके बाद हम जॉब में जा सकते हैं, आई मीन अगर कहीं जॉब लगती है तो क्या हम पीएचडी छोड़ दें, या पीएचडी करते करते जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट गाइडेंस में इस वीडियो में दी हुई है, और इस वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज एक छोटी सी वीडियो 4 से 5 मिनट की जिसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से चीज़ें समझा रखी हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस होते हैं आफ्टर यूजीसी नेट, तो इस वीडियो को आप जरूर एक बार गो थ्रू करें। इसके अलावा गाइज अगर आप अपकमिंग सेशन दैट इज जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइज अगर आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करते हो तो बहुत हाई चांस है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट है, एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, तो इनको उसको करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।